यह है रेन ड्राइविंग का मेरा दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि अगर हाइवे पर चला रहे हो, बारिश वगैरह हो रही है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो पार्ट अच्छा चल रहा है, लिंक ऊपर है, जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर बाद में देखना हो। फिलहाल इस पार्ट में बता रहा हूँ, जब तक नहीं ज़रूरत हो बाहर मत निकलना, फिर भी चुल हो रही हो, कीड़ा काट रहा हो, चले जाना। अगर पॉसिबल है टू व्हीलर लेके चले जाओ, नहीं पॉसिबल है कैब कर लो। लेकिन अगर गुड़गांव दिल्ली में रह रहे हो ना, और अगर कैब बुक कर दी, तो ये मान लो जो कैब ड्राइवर है ना, दूल्हे के जीजा और फूफा से कम नहीं, इतने नखरे उसके, भैया वहाँ पानी भरा है, कैब ख़राब हो जाएगी, वो कैब कैंसिल कर देते हैं। गड्ढा ना ठीक है, हो बस। कंपनी भी नहीं सुनती, कंप्लेन कर दो। क्योंकि मेरी कैब ड्राइवर से बात हुई थी, वो बोला कि अगर आप ऐसे ट्रिप कैंसिल भी करते हो, तो कंपनी ज़्यादा एक्शन नहीं लेती, खासकर मानसून के सीज़न में, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर अरे भाई लंबा गाड़ी ही बंदे की लंबी। ख़राब होगी पानी की वजह से, तो कमाएगा क्या वो, फिर वही हो गया, नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या तो गाड़ी अगर ख़राब हो गई कमाएगा कैसे? तो ये करके कंपनी भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती, अदरवाइज़ अगर ट्रिप कैंसिल होती तो पंगा हो जाता है। चलो अब ये देखो, ऐसी सिचुएशन बहुत ही, मैं कहूँगा कि सीरियस होती है। मुझे जो सबसे ज़्यादा डर, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, तो मुझे गाड़ी के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि इस मोमेंट पे अगर गाड़ी ख़राब होती है, तनाव है भाई। आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ डैमेज के केस में करती है, यानी ठुक पीट अगर जाती है गाड़ी तो वो कवर करती है। और या फिर भैया आपकी गाड़ी में अगर इंजन कवर आपने एड ऑन ले रखा है, इंजन का इंजन प्रोटेक्शन जो भी है, या फिर आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। शोरूम वाले भी नहीं करेंगे यार, क्यों करेंगे यार? सर आपकी गलती, आप पानी में क्यों लेके गए गाड़ी, अपने आप तो फॉल्ट आया नहीं। तो ये करके कोई भी आपकी गाड़ी को ठीक नहीं करेगा, आपको खुद से खर्चा करना पड़ेगा। चलो खर्चा दूसरी बात है, बाकी है मेंटल हरासमेंट, ये गाड़ी के पॉइंट अंदर तो लोग है बैठे ही। हैं, भाई बाहर कहीं जा रहे हैं, टेंशन हो गई, गाड़ी रोकनी पड़ गई, वो सब काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे ही सिचुएशन में एक काम कर सकते हो, अगर ज़्यादा ही 30 मार खा हो, रास्ता पता है, निकलना ही है, तो मैप लगा लेना। अगर रास्ता पता भी है, फिर भी कई बार है छोड़ जिस के रास्ते जाता से हूँ आपको मैं जाना होता रास्ता। है, उसी रास्ते पे ट्रैफिक हो गया, क्योंकि पानी जमा है वहाँ पे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जिस रास्ते से मुझे जाना है वो अब सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी होती है, क्योंकि रास्ते का नहीं पता। देखो पूरी रोड अभी भरी हुई है, मुझे, मैं एकदम नया गया था, मैं पहली बार इस रास्ते पे गया था, मुझे नहीं पता बीच में गड्ढा है, साइड में गड्ढा है। फिर घूम फिर के यार वही बात आ जाती है, अपने सामने गाड़ी को लेके चलो, वो मेरे सामने सेंट्रो चल रही है शायद, यहाँ से मुझे अभी याद नहीं है, सेंट्रो है तो उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ, वो चल रही है उसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, जहाँ वो डूबने लगेगी मैं साइड कर लूँगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे वो डूबेगी, लेकिन मुझे फिर भी उसके पीछे पीछे लेके जानी पड़ी गाड़ी। आसपास के लोगों से पूछ लो क्या सीन है, क्या आइडिया है भाई, अगर ख़तरनाक तो नहीं है, अगर फिर भी ज़्यादा डर लग रहा है, तो कोई रास्ता चेंज कर लो, गाड़ी घुमा लो, एटलीस्ट ख़राब तो नहीं होगी। ख़राब होना बाद की बात है, जब साइड से कोई व्हीकल जाता है तेज़ है, क्योंकि वो तेज़ रेस इसलिए दे के रखते हैं ताकि गाड़ी बंद ना पड़े। लेकिन जब वो नज़दीक से जाते हैं ना, तो अपनी गाड़ी के अंदर पानी उड़ेल देते हैं। बितरना है पानी आना बस थोड़ी देर में। तो वो अलग दिक्कत देता है, फिर वो अलग टेंशन दे देता है। तो इतना रेस रखो बस 2000 RPM तक, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही रखो। ऐसे सिचुएशन में ना तो हाफ क्लच के अंदर चलाना, ना ही सेकंड गियर में चलाना, फर्स्ट गियर के अंदर क्लच छोड़ दो, इसका दस मतलब पंद्रह है दस यार पंद्रह मैं की तो स्पीड देखो पे मैं फर्स्ट चलने दो, गियर रेस पे पैर लगाए रखो। अगर फंसती है ना हल्का से भी, अगर ये लगता कि हाँ अब फंस गई, टायर अटक रहे हैं, तुरंत रेस दे देना, जो मर्जी फिरो, खींच के रेस दे देना, अटकेगी तो निकल जाएगी। एक बार अगर बैठ गई तो फिर आपको खड़े होना पड़ेगा सीट से, चप्पल पहन के अपनी बाहर आ जाना, धक्के लगाने चुपचाप, आसपास किसी को बोल लेना, अगर बच्चे आगे कच्चे कच्चे में खेलते हैं तो आपको धक्का लगा देंगे गाड़ी को। ऊपर का पानी आ गया। यहाँ पे सैंट्रो फंसी,
फिर भी मुझे उसके पीछे इसलिए निकालनी पड़ी। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर सेंटर फंस के निकल गई है तो मेरी तो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है तो मेरी तो निकल जाएगी, लेकिन अगर उससे बचने के लिए मैंने राइट या लेफ़्ट ले ली और इससे भी ज़्यादा बड़ा गड्ढा हुआ फिर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ मुझे श्योरिटी थी कि अगर सेंट्रो निकली तो मेरी तो थोड़ी बड़ी गाड़ी, मेरी तो निकलेगी निकलेगी। ये करके कई बार गड्ढा दिख गया फिर भी वहीं से निकालनी पड़ती है, क्योंकि मैं एकदम अनश्योर था कि साइड से कितनी जगह है और कितनी नहीं है। तो ये पार्ट ज़्यादा लेंदी नहीं था, एक छोटी सी क्लिप इसके बाद में आएगी इसी वीडियो में, तो वीडियो को छोड़ना नहीं है। और बारिश से रिलेटेड मेरे एक दो वीडियोज़ आए हैं, आई बटन में मिल जाएंगे नहीं तो एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। तो बारिश से रिलेटेड सीज़न है तो लोगों को काफ़ी टेंशन होती है, खासकर जो नए ड्राइवर होते हैं, न्यूबीज़ होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस बारे में मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, बारिश में कैसे चलाना है, जिस गली में पानी पूरा भरा हुआ है वहाँ कैसे चलाना है, हाईवे के ऊपर कैसे चलाना है, तो हर चीज़ ड्राइविंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने हर वीडियो बनाई हुई है। कोई मिसिंग है तो आई विल मेक इट। लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ये कोई पहली बार देख रहा है तो बता दूं, मतलब मेरा चैनल, कि इस सीज़न में गाड़ी के अंदर एक स्लीपर चप्पल अपनी रख लेना, अगर बाहर गाड़ी से निकलना पड़ गया तो वो हेल्पफुल होगी। एक अम्ब्रेला, एक पेयर आप अपने कपड़े एक्स्ट्रा रख सकते हो गाड़ी के अंदर, तो ये ज़रूरी होती हैं इन केस के अंदर, खासकर बारिश के, तो वो सब रखना अपने पास, हेल्पफुल होंगी ज़रूर। मैंने आज तक जितनी भी ड्राइविंग किया ना, ये अब तक का सबसे ख़तरनाक जगह थी। मतलब सबसे, एक तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ था, दूसरी दिक्कत क्या आ रही थी, मेरे सामने गाड़ियाँ थी और धीरे चल रही थी। मैं अकेला हो तो निकाल लूँ, क्योंकि थोड़ी सी रेस देकर गाड़ी खींच के चलो वहाँ से, मतलब जो भी ऑप्टिमम स्पीड पे, लेकिन दिक्कत ये आ रही है सामने एक गाड़ी बंद पड़ी है, सियाज अगर यहाँ से दिख रही हो, बच्चे धक्के मार रहे हैं इनकी। मैं कह रहा था ये भाई, ये मान लो यही है फिर जो है, गाड़ी अगर बंद पड़ गई तो इन्हें कुरकुरे चिप्स ये दिला देना और ये गाड़ी को धक्के देंगे। इस मोमेंट पे मैं थोड़ा सा डगमगा गया था इस वजह से कि अगर मेरी गाड़ी अगर बंद पड़ती है, क्योंकि सामने वाली गाड़ी अगर रुकी तो मेरी गाड़ी के साइलेंसर में पानी जाने के चांसेस हैं, नो डाउट हैं। अगर पीछे से कोई गाड़ी आ गई एकदम पानी उड़ेलते हुए बम्पर से, मेरे गाड़ी के साइलेंसर में जाएगा और ये बंद पड़ेगी। यहाँ मैंने खूब खींच के हॉर्न मारे, मुझे पता है यार फ़ायदा नहीं है, सामने वाले को भी उतनी ही जल्दी है जितना मुझे है, बट क्या करूँ यार, वो हो जाता है। इसके सामने एक ओमनी है, वो बंद पड़ी हुई है इस सलेरियो के आगे, तो फटाफट हॉर्न मार के भाई करो साइड वरना हमारी बंद पड़ेगी, और मैं वो रिस्क चाह ही नहीं रहा था कि मेरी गाड़ी बंद पड़ जाए किसी भी वजह से। थोड़ी सी गाड़ी की केयर इस तरीके से कर सकते हो, जब बारिश से निकलती है गाड़ी वॉशिंग करवा दो, मेरी भी खुद खड़ी है अभी 3-4 दिन से करनी है, तो बारिश से निकलते ही वॉशिंग करवा दो। हैंड ब्रेक मत लगाना अगर गाड़ी फिर से 3-4 दिन के लिए अगर खड़ी रहनी है, हैंड ब्रेक मत इंगेज करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लाइक शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो, किसी को ज़रूरत हो, कोई नया ड्राइवर हो उसके साथ शेयर कर देना। आप देखो रॉ वीडियो। Left onto Bavana Road. गाड़ी की मेंटेनेंस से रिलेटेड एक और चीज़, अगर ऐसी जगह पे गए हो कि पानी भर गया रेडिएटर तक, बम्पर तक एटलीस्ट पानी आ गया है,
जाके रेडिएटर की क्लीनिंग ज़रूर करवाना, क्योंकि बहुत सारा कचरा आता है। मेरी भी गाड़ी के रेडिएटर में काफ़ी भर गया था। ये कल को चल के गाड़ी की कूलिंग में दिक्कत देगा, गाड़ी की जो हीटिंग है वो बढ़ जाएगी, और अगर पुरानी गाड़ी है तो गाड़ी के बंद होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि रेडिएटर विल बी क्लॉक्ड। तो कचरा उसके अंदर जाएगा, तेज़ प्रेशर से उसका जो भी कचरा है वो निकलवा देना, लेकिन एकदम तेज़ भी नहीं। वॉशिंग स्टेशन पे जाना, हल्का सा वो जो होता है प्रेशर, उनके आगे थोड़ी उंगली लगवा के और हल्का प्रेशर मरवा देना, लेकिन गंदगी पूरी निकलवा देना। ऊपर से प्रेशर मारते हुए लाना और नीचे तक उसे ख़त्म करना। ये करके आप अपने गाड़ी के रेडिएटर को बचा सकते हो, क्योंकि वहीं पर सारी गंदगी इकट्ठी होती है। कि कई बार टॉफ़ी के रैपर फंस गए, कभी बीड़ी के पैकेट पड़े हैं वहाँ पर, पता नहीं क्या क्या गंदगी, पत्ते वत्ते, क्या घास फूस पड़ी रहती है। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि खुद तो ठीक है, गाड़ी को भी संभाल के रखो। ओके।